हमारे मिथिलांचल में और ख़ास करके इस एरिया में उतना पढ़े लिखे शिक्षित इंसान नहीं है। अगर वो आपके साथ जुड़े तो किन किन चीज़ को त्याग करना होगा? सिर्फ बुराइयों का त्याग, मांस है, शराब है, झूठ कपट छल है, इन बुराइयों का त्याग सबको करना चाहिए, चाहे यहाँ के हों या कहीं के लोग हों। बुराइयों का ही त्याग करने से व्यक्ति की सदगति होगी, लोक परलोक सुधरेगा। बाबा जी, आपका वृंदावन कब आना हुआ और दीक्षा और शिक्षा किन के द्वारा हुआ? बाबा जी, इतनी कम उम्र में आप जो मुकाम तक पहुँचे हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत सालों तक लग जाता है, इसका क्या रीज़न? बाबा जी, आपका वृंदावन कब आना हुआ और दीक्षा और शिक्षा किन के द्वारा हुआ? जी, आप मिथिला नगर में पहली बार आए हैं और बिहार में भी पहली बार आए हैं, तो आपको कैसा यहाँ का माहौल लग रहा? आपका जन्म कहाँ हुआ था और जन्म जहाँ हुआ था उनका वहाँ पर आपका क्या नाम से पुकारा जाता था? आपके आश्रम में अगर कोई आपका शिष्य बनना चाहे, वहाँ जाना चाहे, तो उनको क्या क्या प्रक्रियाएं से गुजरना होगा? कुछ नहीं, यहाँ गुरु मंत्र दे रहे हैं सुबह, जिनको लेना है, कोई शुल्क नहीं है। कोई थोड़े से नियम ये हैं कि मांस शराब ना खाएं पिए और फिर सही रास्ते पर चलें। कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे ये तो पता नहीं, बस भगवान जी की सेवा में लगे हैं जी। सनातन की सेवा है, कथा सुनाना, सही ज्ञान सब तक पहुँचे, वेद पुराणों का ज्ञान सब तक पहुँचे, वो सेवा है और लोग उस सेवा को पसंद करते हैं, इसलिए लोगों ने इतना प्यार इतना स्नेह दिया कि आप सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवशंकर साहू, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। हम ऐसा बाबा से आपको मिलाते हैं, गुरु जी से मिलाते हैं, जो पहचान का मोहताज नहीं है, जिन्हें बच्चा बच्चा तक जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा जी, आप मिथिला नगर में पहली बार आए हैं और बिहार में भी पहली बार आए हैं, तो आपको कैसा यहाँ का माहौल लग रहा? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, यहाँ के लोग बहुत भक्ति भाव से डूबी हुई नगरी है ये। बाबा जी, कुछ आपको पर्सनल सवाल है हमारी तरफ से। बाबा जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था और जन्म जहाँ हुआ था उनका वहाँ पे आपका क्या नाम से पुकारा जाता था? जन्म जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक गांव है, जिला में रियमझा जी, जी वहाँ ही जन्म हुआ था, वहाँ की माटी में पले बढ़े हैं। बाबा जी, इतनी कम उम्र में आप जो मुकाम तक पहुँचे हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत सालों तक लग जाता है, इसका क्या रीज़न? कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे ये तो पता नहीं, बस भगवान जी की सेवा में लगे हैं जी। सनातन की सेवा है, कथा सुनाना, सही ज्ञान सब तक पहुँचे, वेद पुराणों का ज्ञान सब तक पहुँचे, वो सेवा है और लोग उस सेवा को पसंद करते हैं, इसलिए लोगों ने इतना प्यार इतना स्नेह दिया कि आप सब जानते हैं। बाबा जी, आपका वृंदावन कब आना हुआ और दीक्षा और शिक्षा किन के द्वारा हुआ? वृंदावन 2006 में पढ़ने के लिए आए और शिक्षा दीक्षा हमारे गुरुदेव भगवान हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में ही शिक्षा और दीक्षा हुई। बाबा जी, आपकी आश्रम में गुरु जी कितने माताएं लोग वहाँ पे अभी प्रेजेंट में होंगे? 264 वृद्ध माताएं अभी रहती हैं। और कितना माताएं घर जा चुके हैं? लगभग 300 माताएं घर वापसी हो चुकी हैं, उनके बाद भी अभी यहाँ 264 माताएं हैं। बाबा जी, एक और सवाल है, आपके आश्रम में अगर कोई आपका शिष्य बनना चाहे, वहाँ जाना चाहे, तो उनको क्या क्या प्रक्रियाएं से गुजरना होगा? कुछ नहीं, यहाँ गुरु मंत्र दे रहे हैं सुबह, जिनको लेना है, कोई शुल्क नहीं है। कोई थोड़े से नियम ये हैं कि मांस शराब ना खाएं पिए और फिर सही रास्ते पर चलें, ये। बाबा जी, एक और सवाल है कि हमारे मिथिलांचल में और ख़ास करके इस एरिया में उतना पढ़े लिखे शिक्षित इंसान नहीं है, अगर वो आपके साथ जुड़े तो किन किन चीज़ को त्याग करना होगा? सिर्फ बुराइयों का त्याग, मांस है, शराब है, झूठ कपट छल है, इन बुराइयों का त्याग सबको करना चाहिए, चाहे यहाँ के हों या कहीं के लोग हों। बुराइयों का ही त्याग करने से व्यक्ति की सदगति होगी, लोक परलोक सुधरेगा। बाबा जी, एक और सवाल है, इस एरिया में लोग ज़्यादा मछली उछली सेवन करते हैं और उनको किस हिसाब से रहना चाहिए? कथा में बताएंगे सब चीज़ें। धन्यवाद बाबा। खुश।